हेलो फ्रेंड, मायसेल्फ राजेश फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल शाहजनी औरा। नाउ इन लास्ट क्लास वी कंप्लीट एक्सरसाइज 4F। नाउ द नेक्स्ट बीट इज, तो नेक्स्ट बीट क्या है देखो, डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर। तो डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर। तो डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर, तो हमने इससे पहले सभी वन डिजिट के नंबर का डिवीजन किए सो है, राइट। अब हम डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर करेंगे, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, 16 से हमें 576 को डिवाइड करना है, राइट। तो यहां देखो, तो फर्स्ट डिजिट, तो डिवीजन कभी भी ऐसे करना है, राइट। तो यहां 16 है, यहां 5 है, तो टू डिजिट हम लेंगे, तो 57। तो या तो 57 16 के टेबल में आना चाहिए, नहीं बोले तो इसके नियरेस्ट नंबर लेना है, हाईएस्ट नहीं, उसके नियरेस्ट लोवेस्ट नंबर लेना है हमें। नहीं बोले तो आप टेबल ही को यहां 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96, राइट। तो 16 7 112, राइट। 16 8 128, 16 9 144, 16 6 110। अब इसके नियरेस्ट नंबर ले रहा है हमें, राइट। तो देखो, 16 3 48, अब इसमें इन दोनों को ही माइनस करना है, राइट। तो 7 - 8 नहीं होता है, क्यों? 7 is less than 8, राइट। 7 is smaller than 8, तो इसमें से 1 कैरी करो और इसे 4 बना, तो 17 - 8 is 9, राइट। 4 - 4 is 0, राइट। तो नेक्स्ट वन डिजिट हम नीचे लिख सकते हैं, राइट। 96 देखो, 16 6 96, तो 16 6 96, 6 - 6 is 0, 9 - 9 is 0, therefore 576 is divisible by 16, we get 36. तो 36 quotient है as well as our answer, राइट। अब सपोज चेक करना है, समझो इसे, राइट। तो चेक करने के लिए मैंने आपको फार्मूला दिया था, क्या है फार्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्मूले में आप चेक कर सकते हैं, राइट। 36 into 16 + 0, तो 36 into 16 करो आप, राइट। तो यहां करके देखेंगे हम, 36 into 16, तो 6 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट, 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18, 18 + 3 कितना होता है 21, बाद में 1 से करो, 1 3 3 ऐड करो, तो 576 इज द डिविडेंड। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से हमें टू डिजिट नंबर का डिवीजन करने के लिए आना चाहिए, राइट। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर, राइट। तो इसे हम डिविजर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, और 36 को हम कोसाइन कहते हैं, और ये जो 0 0 है इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, राइट। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, राइट, डिविडर कोसेंट कौन सा है, डिविजर कौन सा है बोल के, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। और एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 4Z, तो उसमें देखो फाइंड द कोसेंट, फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर एंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर ऑल्सो चेक यूर डिविजन. तो देखो फर्स्ट हमें कोसेंट फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, एज वेल एज चेक आवर आंसर करना है, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइव हंड्रेड फोर इज डिविजिबल बाय 12, राइट. तो आपको टेबल 20 तक टेबल आता है तो आप डायरेक्ट करो, नहीं बोले तो आप एक चार्ट के ऊपर टेबल लिख के आप कर सकते डिविजन, राइट. तो मैं फर्स्ट 12 का टेबल लिख लेता हूं. 12 वन 12, 12 टू 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. राइट. तो सी है, तो 12 से हमें क्या करना है, 504 को हमें डिवाइड करना है. तो यहां 12 है, यहां 5 है डिविडेंट में, तो 2 डिजिट लो 50 होता है, इसके नियरेस्ट लेना है हमें, तो 48. तो 12 4 जा 48, माइनस करो, जीरो में 8 नहीं जाएगा, तो क्या रिवर करो, 10 होता है, 10 माइनस 8 इज 2, 4 माइनस 4 इज 0, तो नेक्स्ट 4 लो आप, राइट. 12 2 जा 24, 0 0, राइट. दिस इज कोसाइंट, दिस इज रिमाइंडर, राइट. तो आपको लिखना है तो लिखो, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोसाइंट फाइंड आउट करना है, तो लिखो यहां कोसाइंट इज इक्वल टू 42, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, राइट. तो नेक्स्ट चेक योर डिविजन, तो चेकिंग बोल के लिखिए आप, फार्मूला लिखो. तो फार्मूला क्या है हमारा, डिविडेंट इज इक्वल टू, राइट, डिविडेंट इज इक्वल टू और डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसाइंट प्लस रिमाइंडर. तो डिविजर क्या है हमारे पास, 12 है, 12 इनटू 42, रिमाइंडर इज 0, राइट, रिमाइंडर 0. यहां देखो रिमाइंडर 0, कोसेंट इज 42, तो 42 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई करो, राइट. 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो यहां 0 ले सकते हैं आप, 1 टू जा 2, 1 4 जा 4, 4, राइट. 8 प्लस 2 इज 10, 10 को 0, कैरी 1, 4 प्लस 1 इज 5, तो 504, तो आवर आंसर इज करेक्ट. तो इस तरह से आपको चेकिंग करना है, राइट. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 1392 इज डिविजिबल बाय 16, राइट.
1392 is divisible by 16, right? तो आपको 16 का टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो मैं लिखता हूं यहां 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, राइट? तो 16 से हमें डिवाइड करना है 1392 को. तो यहां देखो 1392 है, तो वन डिजिट लेने के बाद वन है, यहां टू डिजिट लेने के बाद थ्री है, तो 13 भी 16 के टेबल नहीं आता, तो हम थ्री डिजिट ले सकते हैं, राइट? तो इसके नियरेस्ट लेना है, तो 144 लिए तो ग्रेटर देन होता है, इससे लोअर लेना है तो 128 लेंगे. 16 8 128 करो 9 8 इज 1, 3 2 इज 1, 1 1 इज 0, तो रिमेन्स ओनली 2, राइट? तो नेक्स्ट 16 7 112 0 0 0, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज 4 7 7, राइट? तो लिखो आप देयरफॉर कोसाइन इज इक्वल टू 87, रिमाइंडर इज 0, राइट? तो चेक, तो चेकिंग हम कैसे करेंगे, राइट? डिविजन इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर, तो आर बोले तो रिमाइंडर, तो डिविजन क्या है 16 है इंटू 87 प्लस 0, तो मल्टीप्लाई करो आप, अगेन वी गेट 1392, राइट? आपको मल्टीप्लाई करना है कि यहां करो 87 इंटू 16, तो 7 6 7 42, कैरी 4, 8 6 48 प्लस 4 इज 52, नेक्स्ट 0 लो, यहां 7 और यहां 8, तो 2 9, इन दोनों को ऐड करो 13 होता है, राइट? तो आवर आंसर इज करेक्ट 1392. इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, 1909 इज डिविजिबल बाय 14 है, राइट? तो फर्स्ट 14 का टेबल लिखो, 41 14, 42 28, राइट? 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 8 98, right? 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, 14 8 84, 14 6 84, 14 7 98, नेक्स्ट 14 9 जा, तो 49 जा कितना होता है, जैसे 14 ऐड करो, राइट? 112, नेक्स्ट 49 जा, 126, एंड 14 10 जा 140, राइट? तो 14 से हमें क्या करना है, 1909 को हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ 19 है, तो 14 1 14, 9 4 इज 5, 1 1 इज 0, तो नेक्स्ट 0 लो, राइट? इसके नियरेस्ट लेना है, तो 14 3 जा
42, right? So 10 minus 2 is 8, 4 minus 4 is 0, so next is 9, 84 hai dekho, right? 14, 6 is 84, 9 minus 4 is 5, 8 minus 8 is 0. So cosine, this is a remainder, right? इस तरह से आपको सॉल्व करना है. तो देखो कोसेंट इज 136 एंड रिमाइंडर इज 5, राइट. तो लिखो आप, नेक्स्ट चेक करेंगे हम, राइट. तो डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट. तो डिविजर क्या है, 14 है, 14 इनटू 136 प्लस 5, राइट. तो 136 इनटू 14, 4 6 24, तो 4 कैरी 2, 4 3 is 12 plus 2 is 14, carry 1, 4 1 is 4 plus 1 is 5, right? तो यहाँ 0 रो, 1 6 is 6, 1 3 is 3, 1 1 is 1, add करो, 4, 10 को carry 1, right? 5 plus 3 is 8, 8 plus 1 is 9, और ये 1, right? तो 1904 plus 5 is equal to 1909, right? तो our answer is correct. तो इस तरह से आपको problem को solve करना है. तो next हम 11th question करेंगे. तो see here, what is the 11th question? Is given 3360 is divisible by 32, right? तो देखो इसे कैसे करना है. 32 से हमें क्या करना है, 3360 को हमें डिवाइड करना है, राइट. तो यहाँ देखो 33 है, यहाँ 32 है, तो 32 वन्स आर 32, माइनस करो, 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, तो नेक्स्ट 6 लीजिए, राइट. तो 32 वन्स आर नहीं होता है, राइट. तो ये 0 लेना है, तो डबल 0 लेना, तो यहाँ एक 0 देना है और यहाँ 160 लेना है, राइट. तो 32, देखो 32 फाइव लेंगे हम, तो 32 फाइव, 5 टू 10, कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 इज 60, राइट. तो 32 फाइव 160, 0 0. तो यहां लिखो कोसाइन इज इक्वल टू 105 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर चेक करना है हमें आंसर. तो डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट. तो डिविजर इज 32 इनटू 105 प्लस 0, तो इसे मल्टीप्लाई करो, तो 3360 हमें आंसर आता है, राइट. तो आवर आंसर इज करेक्ट. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. तो नेक्स्ट वन एक 48 का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, राइट. तो सी हियर 12th क्वेश्चन. इज डिविजिबल बाय 48, राइट. तो इसे लिखो 48 इज डिविजिबल बाय 1027, राइट. तो 48 टू 96, उसे माइनस करो, 102 में 96 माइनस करो तो 06 आता है, नेक्स्ट 7 दो, राइट. 48 वन 48 माइनस करो तो ये 17 होता है, 5 होता है, 17 माइनस 8 इज 9 और 5 माइनस 1 इज 19, राइट. तो कोसाइन इज इक्वल टू लिखो आप, कोसाइन इज 21 एंड रिमाइंडर इज 19. तो यहां लिखो चेक डिविजर इनटू कोसाइन प्लस रिमाइंडर. तो डिविजर क्या है, 48 इंटू 21 प्लस 19, यहां करके देखो 48 इंटू 21, 18 जा 8, 14 जा 4, 28 जा 16, कैरी 1, 24 जा 8 प्लस 1 इज 9, तो 8 10 कैरी 1 8 10,
लिखो यहाँ 1008 प्लस 90, तो इसे 19 से प्लस करो, 8 प्लस 9 इज 17, को 7 कैरी 1, ये 201, तो 1227 इज द आंसर। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू स्टोरी प्रॉब्लम। तो सी हियर, नेक्स्ट इज स्टोरी प्रॉब्लम इन दैट एक्सरसाइज 4H, तो उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो देखो, जब स्टोरी प्रॉब्लम में स्टेटमेंट दिए से है, उसे हमें न्यूमेरिकल में लिख के हमें डिवाइड करना है, राइट। तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली देखना है, राइट। व्हाट इज द गिवन, द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट, द कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट्स इज रुपीज 52। तो नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। राइट, तो टोटल कितने चॉकलेट है, 4 है, राइट। तो प्राइस कितना है, 52 है, तो हमें क्या करना है, 52 डिवाइडेड बाय 4 लिखना है। देयरफॉर सॉल्यूशन 52 डिवाइडेड बाय 4 लिखना है, राइट। तो 4 से हमें क्या करना है, 52 को डिवाइड करना है, राइट। 4 वन जा 4, 5 माइनस 4 इज 1, तो नेक्स्ट 2 लेंगे हम, 4 3 जा 12, राइट। तो लिखो यहां, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज रुपीज 30, राइट, रुपीज 30। इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में लिख के सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू थर्ड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4H में का थर्ड क्वेश्चन, तो सी हियर, द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज रुपीज 18। सी हियर, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज रुपीज 18, how many pens can be bought for 648, right। तो देखो, एक पेन का प्राइस 18 रुपीज है, तो हमारे पास टोटल 648 रुपीज है, तो उस 648 में कितने पेन आते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो सॉल्यूशन, राइट, तो वन पेन कॉस्ट इज रुपीज 18, तो 648 इज डिविजिबल बाय 18 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको 648 को करना है, राइट। तो सी है, 18 वन जा 18, 18 टू जा, तो 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 3, 8 जा 24, कैरी 2, 3 वन जा 3 प्लस 2 इज 54, तो 18 थ्री जा 54, 4 माइनस 4 इज 0, 6 माइनस 5 is 1, right? तो इस 8 को नीचे लो, क्यों, ये 10 है, तो 10 18 में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए मैंने 8 लिया है, right? तो 18 5 और 18 6 जा 8, 6 जा 48, कैरी 4,
सिक्स वन जा सिक्स प्लस फोर इज टेन राइट, तो एटीन सिक्स जा वन नॉट एट, तो जीरो जीरो जीरो। तो हम कितने पेन ले सकते हैं, तो 36 पेन हम ले, हाउ मेनी पेन्स कैन बी ब्रॉट, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स पेन्स ब्रॉट फॉर रुपीज 648 इज 36, तो आवर आंसर इज 36 राइट, तो 36 पेन हम बे कर सकते हैं। तो सी हियर एट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 8 केजी, द कॉस्ट ऑफ 4 केजी ऑफ शुगर इज, द कॉस्ट ऑफ 4 केजी ऑफ शुगर इज रुपीज 76, रुपीज 76, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ शुगर, 1 केजी ऑफ शुगर also find, also find the cost of 15 kg of sugar right, तो इसमें multiplication भी है as well as division भी है right, तो देखो the cost of 4 kg of sugar is solution right, 4 केजी का कॉस्ट कितना है 76 रुपीज है राइट, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 76 इज डिविजिबल बाय 4, तो 1 केजी ऑफ शुगर का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 4 से हमें क्या करना है 76 को डिवाइड करना है, 4 वन जा 4, 7 माइनस 4 इज 3, तो इस 6 को लो, 4 नाइन जा 36, 0 0, देयरफॉर therefore 1 kg of sugar cost is rupees 19, therefore 19 into 15, क्यों 15 लिया है मैंने, तो हमें 15 kg of sugar का find out करना है, तो 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 इज 9, यहां 0 लो, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, तो 5 9 प्लस 9 इज 18 कैरी 1, तो 285 राइट, तो रुपीज 285 इज द कॉस्ट ऑफ 15 केजी ऑफ शुगर, तो यहां लिखना है तो लिखो द कॉस्ट ऑफ, यहां लिखो लास्ट में, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 15 केजी ऑफ शुगर इज रुपीज, कितना आंसर 285 right? तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इफ एनी डाउट देन आस्किंग व्हाट्सएप, डू होमवर्क, थैंक यू राइट, जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करो राइट, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट क्लास वी गो टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स राइट, तो डू होमवर्क, थैंक यू।